नमस्कार जनटीवी, स्वागत है आपका। मैं हूँ योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो जुड़ाव देश का कसम का हो, लेकिन चर्चा पूरी सियासत पे है। हम बात कर रहे हैं एनआरसी के मुद्दे पर। एनआरसी में 40 लाख लोगों को सियासी तरीके से देखें तो प्रतिपक्ष का आरोप है कि बेघर कर दिया गया है, लेकिन एनआरसी के ड्राफ्ट में जो शामिल हुए हैं उनको लेकर के सोमवार को ही राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसमें अभी घबराने की बात नहीं है, अवसर दिया जाएगा, सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करके 40 लाख लोगों को वोट की प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की एक साजिश है। यह प्रतिपक्ष का आरोप है, लेकिन प्रतिपक्ष भी इस मुद्दे में थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि रक्तपात और गृह युद्ध के हालात बनेंगे। कांग्रेस ने इसे खारिज किया है कि गृह युद्ध की कोई स्थिति नहीं है। पूरी तरह से प्रतिपक्ष मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाएगा। गृह युद्ध के हालात अभी नहीं बने हैं, खारिज किया है। वेस्ट बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने साफ इनकार किया है कि ममता बनर्जी प्रदेश में शांति बहाली की ओर ध्यान देना चाहिए, राजनीतिक इश्यूज पे इस तरह के बयान से बचना चाहिए। खैर चलिए, हम आपको मजमून हमारा दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार हरितवाल साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, अमित गोयल भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजय माधव कम्युनिस्ट नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मजमून देखिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। एनआरसी के दूसरे ड्राफ्ट के बाद 40 लाख लोगों को अवैध पाया गया, इसके बाद से ही हंगामा बरपा हुआ है। इस मुद्दे पर आज भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपना जवाब रखने की कोशिश की, लेकिन वे हंगामे के कारण आज भी नहीं बोल पाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो केंद्र को इस मामले में गृह युद्ध तक की चेतावनी दे डाली है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एनआरसी को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। होम मिनिस्टर मेरे को एक आश्वासन दिया है कि वो लोगों का कोई हरासमेंट ना हो और उन्होंने देखेंगे, और एक बात बोला है कि इनह्यूमन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर ये बात सच तो हम उसको एक कहने चाहूंगी कि इसको पार्लियामेंट में भी बोले। एनआरसी के दूसरे ड्राफ्ट पर केंद्र सरकार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में साफ किया कि जिन लोगों को अवैध घोषित किया गया है उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। वहीं अमित शाह ने भी मंगलवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कई दूसरे बीजेपी नेता भी इस मुद्दे पर विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि रोहिंग्यास की एंट्री भारत के अंदर न होने पाए, इसके लिए बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल्स को भी हम लोगों ने पूरी तरह से सेंसिटाइज किया है ताकि वह इंश्योर करें कि उनकी एंट्री न हो पाए। फिर भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या यहां पर आ गए हैं और एक लेटेस्ट एडवाइजरी तो इसके पहले भी जारी की गई है, लेकिन एक लेटेस्ट एडवाइजरी जो हमारे गृह मंत्रालय से जारी की गई है फरवरी 2018 को, और उस एडवाइजरी में स्टेट गवर्नमेंट से यह अपेक्षा की गई है कि जितने भी रोहिंग्या यदि आपकी स्टेट में हैं तो उनकी इन्यूमरेशन यानी उनकी गणना करें कि कितने रोहिंग्या आपके स्टेट में हैं, साथ ही उन्हें आप आइडेंटिफाई भी करने का काम करें। गुमराह करने वाली बात है, कोई भारतीय नागरिक का नाम कटा नहीं गया है। जो अपने भारतीय होने का प्रूफ नहीं दे पाए हैं, जो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, उनके ही नाम को लिस्ट से अलग किया गया है। प्राथमिक ड्राफ्ट बनकर लोगों के सामने गया है जिसमें 40 लाख संदिग्ध लोगों को अलग थलग किया गया है। ये एससी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी पूरी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब की हुई है, ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही है, मॉनिटरिंग में चल रही है। और मुझे बहुत दुख है, भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के अलावे एक भी पार्टी ने इस देश में घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं है इसको बोलना उचित नहीं समझा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को हम इतना ऊपर ले जाएंगे क्या? एनआरसी के लिए मोदी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
एनआरसी की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय 14 अगस्त 1985 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था अवैध घुसपैठियों की पहचान करना। लेकिन अब इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर एनआरसी के ड्राफ्ट के बाद असम में एक डर का माहौल पैदा हुआ है और लोग अपना नाम एनआरसी रजिस्टर में खोज रहे हैं। चूंकि मुद्दा संवेदनशील है तो सरकार को बेहद संजीदगी के साथ इसको लेकर विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए मजमून आपने देखा और सियासत इसी के साथ शुरू हो गई। अमित शाह को बड़ी तकलीफ है कि प्रतिपक्ष की पार्टियां इस पर भी वोट बैंक की राजनीति की तरह कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, वहां विकास का एजेंडा बाधित हो रहा है और जो लोग एनआरसी में यानी कि नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन उससे बाहर हो रहे हैं उसमें वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया है कि यह अंतिम मौका नहीं है, फिर उसका रिव्यू किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। और दूसरी तरफ समीक्षकों का यह भी कहना है कि भारत में अन्याय नहीं होता है, बेघर कोई नहीं होगा, तो आखिर विवाद की वजह क्या है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति की तरह से इसे खारिज तो नहीं किया जा सकता लेकिन वोट से वंचित जरूर किया जा सकता है। चलिए ओम जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। ओम जी, किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है ये? और जब अमित शाह दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसके निर्देश पर ये सारी प्रक्रिया चल रही है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 14 अगस्त 1985 में उन्होंने साइन किया और 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से उन्होंने अनाउंस किया इसको, तो इस पे राजनीति किस तरह की राजनीति लग रही है? देखिए 1985 के बाद से जिस तरीके का दृश्य बना है बोडोज में और वहां के रोंगियाज में, या जो बर्मा से आए, म्यांमार से आए, जो बांग्लादेश से आए, उनको लेकर के बड़ा विवाद बिगनिंग से रहा है और ये कोई इतना सहज निर्णय नहीं हो सकता जिसको कि तत्काल कर दिया जाए। और ये टाइमिंग है, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक है। ये टाइमिंग ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर जिस तरह का विभाजन सा नजर आ रहा है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का, तो उसमें ये महक आती है, ये बू आती है कि शायद यही सारा चल रहा है। जैसे कांग्रेस और तृणमूल के लोग आरोप लगा रहे हैं, दूसरे दल आरोप लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि टाइमिंग ठीक नहीं है। अदरवाइज तो ये तो तय है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो कम से कम ये पता तो लगे कितने हैं, लेकिन 40 लाख लोग तो दुनिया में, ये तो अपने आप में एक अजूबा हो जाएगा कि आप उनको वापस भेज दें, तो संभव है नहीं। क्योंकि पाकिस्तान का दृश्य हमारे पास में है कि उस वक्त से जब से पाकिस्तान पूरी राय बंगाल से यानी बांग्लादेश से जब से गए हैं पाकिस्तान के लोग, तो आज भी वहां पर करीब 10-20 हजार लोग ऐसे हैं जिनकी की नागरिकता नहीं है और उसके बावजूद उनको निकाला नहीं जा सका। तो ये 40 लाख लोगों को आप समझेंगे कि इधर से उधर कर दिया जाए तो संभव नहीं है। और इस पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जिस तरीके से बोले हैं वो अपने आप में संकट पैदा करने वाला है। जहां गृह मंत्री की भाषा बड़ी नियंत्रित है और बड़ा एक पार्लियामेंटेरियन तरीके से उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए है, वहां जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी भाषा बड़ी विपरीत है। ऐसे में ही इस भाषा में जो बात हो रही तो वही वैसी ममता बनर्जी बोल रही है, वैसे ही कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, तो एक तरीके का एक विवाद छिड़ने वाला है, एक संकट आने वाला है, मुझे ये महसूस हो रहा है। और इसके ऊपर मैं एक छोटे से मैं आपसे राय जानना चाहता हूं कि क्योंकि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनआरसी का गठन हुआ और उसी के प्रोफॉर्मा के अनुसार इन लोगों को एक शॉर्ट लिस्ट किया गया कि 40 लाख के आसपास लोग जो हैं ये अभी अपनी 1971 के बाद जो एक मार्च 1971 की एक डेट मुकर्रर की गई थी उसके बाद में ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या वास्तव में राजनीति का मुद्दा है या इसका सोल्यूशन ढूंढना जाना चाहिए? इसका सोल्यूशन ढूंढने का सिलसिला था, लेकिन जिस तरीके से 12,000 करोड़ कितना खर्च हुआ है इनके ऊपर, 1200 करोड़ खर्च हुआ और कितने सारे कर्मचारी लगे हैं, और उसके बाद में जो फैसला आया है और उसके बाद में ये जो चीजें पता लगी किन किन लोगों के नाम रह गए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण लोग जिनके के परिवार का नाम आ गया और उनका नाम नहीं है, तो इस तरह की गलतियां जो हुई हैं ये लगा कि जल्दबाजी में जैसे कुछ किया जा रहा है। जी, अगर ये जी। लेकिन इसको लेकर के एक पहले से कह दिया गया कि जब ड्राफ्ट को फाइनल करके आउट किया गया तो कहा गया कि हेयरिंग का टाइम दिया जाएगा, अंतिम ड्राफ्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लेकिन जिसका मनोवैज्ञानिक जो लाभ मिलने का सिलसिला है, जो राष्ट्रीय राजनीति जिस तरीके के टर्न ले रही है उसमें एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो है मेरा ख्याल है सत्ताधारी दल को हासिल होता है इसमें, ये आरोप है उन पर ना, तो ये मैं कह रहा हूँ टाइमिंग बहुत गलत है। इसकी आवश्यकता नहीं थी कि अभी तत्काल ही सब सिलसिला किया जाता और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अमित शाह जी का कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि साहब कांग्रेस में दम नहीं था, हमें दम है, निश्चित रूप से काम होना था लेकिन अभी नहीं होना था, या तो पहले हो जाता, साल भर पहले हो जाता। तो आपको लगता है कि इलेक्शन के मद्देनजर ये सब कुछ सिलसिला, देखिए आरोप है, आरोपों में दम तो है योगेन जी, इसको इनकार तो नहीं किया जा सकता। मतलब समय जो चूज किया गया है, बाकायदा बीजेपी इसको गेन करना चाहती है निश्चित रूप से। मैं हरिपाल साहब के पास में आना चाहूंगा। हरिपाल साहब, ये अमित शाह साहब ये साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त लाया गया रेजुलेशन था ये, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ सारी प्रक्रिया चल रही है। हिम्मत करते राजीव गांधी उस वक्त तो आज ये सारे हालात नहीं होते। समय से इन चीजों को खत्म किया जा सकता था, सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन आज जब मुंह आए इतनी बड़ी समस्या हो गई कि 40 लाख लोगों को बाहर रखा जा रहा है इस ड्राफ्ट से। हालांकि फिर भी सुनवाई का मौका दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं माना जा रहा। तो ये सारी चीजें फिर इसमें सियासत क्यों हो रही है? देखिए योगेंद्र जी, मेरा सबसे पहले तो मानना यह है कि कांग्रेस पे इसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। आज से 32 साल पहले श्रीमान राजीव गांधी जी ने ये इस बात की शुरुआत की थी, उसमें कार्य भी हुआ लेकिन डिले हो गया। फिर बीच में इनकी सरकार आई, कुछ लेफ्ट की सरकार आई, कुछ अलग अलग सरकार आई, समय समय पर लिंगडाउन होता गया। लेकिन कांग्रेस ये काम नहीं चाहती, ये बात तो कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, हिंदुस्तान के अंदर जो भी काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 40 लाख लोगों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बात नौबत क्यों आ रही है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि ये गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। अभी ओम सैनी जी ने बोला गलत टाइम चूज किया। आपको 4 साल से ऊपर 4.5 साल के करीबन आपको राज्य देश की सरकार चलाते हो गए, आप देश की सरकार में ये फैसले 2 साल में होने चाहिए, 1 साल में होने चाहिए थे, या फिर इंतजार करना चाहिए था अगले वाली आने वाली सरकार का, इसका एक सिस्टम बनाते। आप इसको बिल्कुल चुनाव से पहले बात करके कि मुसलमानों को वापस भेजेंगे, इस टाइप का माहौल बनाते हैं, और अगर हम कुछ बोलते हैं उसमें इनको ढंग से टैकल किया जाए तो कहते हैं कि आप लोग तो साहब तुष्टिकरण की नीति करते हो। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है, सिरे से इसको नकारता हूं। इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने काम भी किया इसके ऊपर, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं जैसे हमारे साथी पत्रकार ने बोला कि इस समय गलत है, समय बिल्कुल गलत है। चुनाव के एंड वक्त पे आप इस टाइप की धारणा करते हैं हर काम को। आज वो पद्मावती की पिक्चर हो गई, रिलीज हो गई, खूब देख रहे हैं, कभी वरंजियव आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, हर चुनाव के समय कोई तो लगा रहा है कि एजेंडा तो मेरा मानना एजेंडा तो कांग्रेस का है वाजी भाई, कांग्रेस लाई थी सबसे पहले सोच विचार करके। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की घमंड की भाषा कि आप में दम नहीं था, आप नहीं कर पाए, हम कर पाए, ये भाषा एक नहीं देना चाहती। जो काम जिस जो बात बोलने की, वो होम मिनिस्टर की बोलने की, या विदेश मंत्री बोलते या कोई बोलते, एक पार्टी का प्रेसिडेंट इस प्रकार से पेश कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ने के लिए हम में दम है, आप में दम नहीं था, ये बातें करना देश को गुमराह करने की स्थिति है। और कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया कि ममता बनर्जी के इस वाक्य से उन्होंने किनारा किया कि गृहयुद्ध की स्थिति गृहयुद्ध जैसी स्थिति नहीं है, उन्होंने कहा, और ये बहुत अच्छी बात कही। लेकिन इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार दम्भ की, घमंड की भाषा में बात नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात जानता हूं कि अगर घमंड से बोलें, घमंडी का हमेशा सब नीचे हुआ है और यही स्थिति आगे भी होगी। अमित जी जवाब देंगे इस बात पे। अमित जी, एजेंडा वाजिब है लेकिन समय गलत चुना है, और बीजेपी इसे राजनीति करके यानी कि कुछ गेन करना चाहती है, पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, ये प्रतिपक्ष का आरोप है। योगेंद्र भाई, एनआरसी के मामले में हमें, आपने 1985 से बात शुरू की सैनी साहब ने, मुझे लगता है इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता है। आप ये देखिए, 1951 से 1961 के बीच भारत के अंदर आसाम जो राज्य है उसकी आबादी 35% बढ़ी, 1961 से लेके 1971 के बीच में 36% आबादी बढ़ी, और 1971 से लेके 1980 के बीच में 50% आबादी फिर बढ़ी। मतलब लगातार आप ग्राफ देख रहे हैं 35%, 36% एंड 50%। और ये जो आसाम समझौता 1985 में हुआ था उसका भी आधार ये है कि जिस तरह से आसाम का डेमोग्राफी बिगड़ रहा था, वहां अराजकता बढ़ रही थी, वहां की स्थानीय संस्कृति नष्ट हो रही थी, आसाम के स्टूडेंट्स ने एक संगठन बनाया आसू, ऑल स्टूडेंट असम एसोसिएशन। उन्होंने 6 साल तक एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, कई आसाम के छात्र उस आंदोलन के दौरान मारे भी गए, और सरकार को दबाव में आकर राजीव गांधी की सरकार को 14 अगस्त 1985 को समझौता करना पड़ा। 15 अगस्त 1985 को उसकी घोषणा हुई कि हम एनआरसी बनाएंगे और जो अवैध घुसपैठी है उनको देश से बाहर करेंगे। आप ये देखिए, उस 1985 से पहले दो घटनाएं और होती है। आसाम में कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री थे, एक थे बीपी चिलोहा और एक थे हितेश्वर शोकिया।
एक 12 साल मुख्यमंत्री रहे, एक तकरीबन 7 साल मुख्यमंत्री रहे। उन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में पत्र लिखा कांग्रेस की केंद्र सरकार को कि भैया इस तरह से यहां पर लगातार अवैध घुसपैठ हो रही है और यहां समस्याएं आ रही हैं, जातिगत संतुलन बिगड़ रहा है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ मुस्लिम नेता जो केंद्र में बैठे थे उनके दबाव के कारण उस उन चिट्ठियों को डस्टबिन में डाल दिया गया, कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी बात, बार बार एक बात आ रही है कि 1985 में साफ समझौता कांग्रेस ने किया था, तो पहली बात तो कांग्रेस समझौता वहां के स्थानीय नागरिकों के 6 साल के आंदोलन के दबाव में किया था। 1985 से लेकर 2015 तक आपने क्या किया, ये 30 साल का समय आपने क्यों निकाला, क्यों आपने उस पर कार्रवाई नहीं करी? और अब जब 2015 में बीजेपी सरकार आती, 2014 में बीजेपी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, उसके समय भी उस टाइम बीजेपी सरकार नहीं थी वहां पे आसाम के अंदर, उस टाइम तरुण गगोई की सरकार थी, आपकी सरकार थी और करीब 1.5-2 साल वहां रही, काम क्यों शुरू हुआ आपने? आज आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक हलेजा नाम के आईएएस को इस काम की कोऑर्डिनेटर बनाया, वो लगातार इसी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों को आपत्ति है? मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आता है उसको भी आप राजनीति चश्मे से क्यों देखते हैं? और अमित शाह जी का स्टेटमेंट कब आया? पहले स्टेटमेंट किसका आया? पहले स्टेटमेंट आया ममता बनर्जी का, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बोलना शुरू किया, उसके बाद अमित शाह जी को बोलना पड़ा और क्या गलत बोला, बहुत हिम्मत से उन्होंने बोला कि 30 साल पहले समझौता किया था केंद्र सरकार के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के बाद में भी जो काम हमने करके दिया 2 साल में हमारी सरकार ने करके दिया, बहुत तेजी से करके दिया, तो इसमें राजनीति की बात कहां पर आ रही है? ये राष्ट्र सुरक्षा का मतलब है, आप सबको आना चाहिए कि बहुत बढ़िया काम हुआ है और अभी एक आखिरी मौका मिला हुआ है, एक आखिरी मौका और मिला है 7 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम उसे जुड़ा हुआ नहीं है अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। 24 अगस्त 1971 को रात के 12 बजे से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास होगा, देश के किसी भी राज्य का होगा, जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसकी जमीन का मामला होगा, कोर्ट का मामला होगा, किसी भी तरह का कोई सबूत अगर उसके पास है कि भारत देश का नागरिक है तो नाम जुड़वा सकता है, उसके दरवाजे खुले हैं। इसको अल्पसंख्यक मुस्लिम इस तरह की बातों से नहीं किया जाना चाहिए, देश के अंदर देश का माहौल खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हम सब मिलके इस समस्या का निदान करें। जी अमित जी, यहाँ जो ऑब्जेक्शन इस इश्यू पे नहीं है कि 40 लाख लोग, क्योंकि राजनाथ सिंह इस बात को हाउस में कह चुके हैं कि अभी तो इसे की शॉर्ट लिस्ट और किया जाएगा, अवसर दे रहे हैं हम, हियरिंग होगी उसमें, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी इस निर्देश के अनुसार कि कोई बेगुनाह ना हो, लेकिन समय को लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले ही से किया जा सकता था या इलेक्शन के बाद में किया जा सकता था, आखिर इसी समय ये बात बाहर क्यों निकल के आई, ये प्रतिपक्ष का ही आरोप है। देखिए प्रतिपक्ष का काम है आरोप लगाना, जब राम मंदिर का इशू था और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि जल्दी सुनवाई होगी तो कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उन्होंने हलफनामा दिया कि इसको 2019 के बाद किया जाए, क्यों किया जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वो फैसला देगा, जो जायज होगा वो फैसला देगा। और आज ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट निगरानी में हो रहा है, और ये जो लिस्ट अब निकली है ये लिस्ट 30 जून को निकलने वाली थी, आसाम में बाढ़ की हालत थी, एक महीने का एक्सटेंशन और मिला, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव आने वाले हैं, नजदीक है, आप उसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हो, कांग्रेस आगे बढ़ती और एक कहती कि 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं रहेगा और हम भी इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसके साथ में है, और अगर वो छूट गए उनको जोड़ना चाहिए तो पूरा देश स्वागत करता। आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं देश की राजनीति को, ममता बनर्जी ले जा रही है जो आपके महागठबंधन की साथी है, उनको भी आपको रोकना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। और देश में आज जो अवैध घुसपैठिए बढ़ रहे हैं ये 70 साल से क्यों बढ़े, 50 साल देश पे आपने राज किया, 30% 50% किसके राज्य में बढ़े, किसकी सरकार थी केंद्र में, किसकी सरकार थी राज्य के अंदर, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी से उनको बताना चाहता हूँ कि 89 के बाद जब इनकी कोलिशन की सरकार बनी इसमें विदेश मंत्री और इनके कई मंत्री वरिष्ठ मंत्री भी इनके थे, जब इनको समझ में नहीं आई कि ये काम करना चाहिए, फिर सब कुछ हम ही करेंगे ना, हम ही कर रहे हैं, फिर आप खुद ही कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया भाई, शर्मनाक बात है। 2004 अटल बिहारी वाजपेयी, 2004 से 2014 की सरकार थी आपकी, 2000 का जयसवाल आपको गृह राज्य मंत्री थे, आप बोल रहे हैं 2 करोड़ अवैध गलती को मानिए, याद आप ये कहिए प्रकाश जयसवाल आपके राज्यपाली ने प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए है और केंद्र सरकार के दबाव में मनमोहन सिंह के दबाव गांधी के दबाव के अंदर प्रधानमंत्री थे तो क्या वो इस बात में समझते नहीं थे, ना समझते, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, उन्होंने कार्रवाई करी तो एक तमीज से एक संविधान के दायरे में करी, दोबारा भी वो बने, तिवारी भी कुछ दिन के ये बने, आप मेरे को बताना चाहिए, मेरे को एक बात बताएं कि अचानक
आपको तीन बार आपको प्रधानमंत्री का पूर्व कार्यालय दिया गया, कितना समय मिला? तीन साल एक बार दिया, एक बार दिया आपको दिया, उसके बाद तीन साल तक ये आपने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, उसका कार्यकाल आपको दिया गया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, ये चार साल से भी ऊपर आपको इसमें प्रधानमंत्री बनाया, ये अचानक चुनाव के टाइम देखने को, तो हमें उज्जैन से इस बात से आप जो कारण आप एक बार सुनिए, मैं एक बार जानना चाहता हूं इसमें कि अगर ये समय ऐसा भी चुना है तो इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान क्यों लग रहा है? आप सुनिए वोट की राजनीति, हमने कभी नहीं कहा गलत काम किया। राहुल गांधी जी ने कहा, हमने हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, हमारे कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी जिस प्रकार की बात करी वो गलत है, तो ये कांग्रेस का सकारात्मक व्यवस्था है, कांग्रेस से नहीं कहा। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर चुनाव से पहले 40 हमें जी डिस्टर्ब मत करिए, आप अपनी बात जरूर कहिए। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर मान लो इस वक्त ये बात बाहर भी निकल करके आ रही है तो इसमें ऐसा नहीं, मैं आपको वोट ऐसा क्या करने वाला? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे साथी से पूछना चाहता हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ना समझते? वो देश के बारे में देशभक्त नहीं थे? चलो वर्तमान के बारे में, वर्तमान में ये बताता हूं कि चार साल और पांच महीने से छह महीने से ऊपर का समय हो चुका, अब तक याद क्यों नहीं है? अचानक चुनाव आते हैं इस प्रकार की हरकतें क्यों करते हैं जिससे देश कंफ्यूज हो? हम चाहते हैं कि देश चुनाव मुद्दों पर हो। दोनों को रोकना चाहूंगा मैं, ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको कभी तो बाहर आना ही था, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है बाकायदा इसकी, 1200 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, तो समय का क्या अभी ये माना जा सकता है कि 19 के चुनाव को ध्यान में रखकर या फिर राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर के किया गया? इतिहास के कुछ पृष्ठ देखना बहुत जरूरी है, और जिस तरीके से बांग्लादेश से और म्यांमार से बर्मा से मतलब जो लोग इधर आए और जिनमें से कई पूरा एक पॉपुलेशन डेवलप हो गया उसको, और उनमें जिस तरह के टेंशन हुए क्योंकि बोर्डोज ने भी ये सारा बेस बनाया था, और उसकी वजह से करीब 3 या 4 हजार लोग पहले मारे गए अभी पिछली गवर्नमेंट के वक्त में, और उससे पहले भी इस तरीके से लोग मारे गए, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, टेंशन हुआ है, और इस टेंशन को रोकने के लिए लोकल्स ने, जैसे असम गण परिषद का नाम ले रहे हैं, ये असम गण परिषद ने ही ये सब सिलसिले स्टार्ट किए, उसको बड़ा ऐतराज किया गया, और वहां एक क्षेत्रीय भावना बड़ा जबरदस्त तरीके से डेवलप हुई, तो जो जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन बनी हुई है उसमें इतना सहज नहीं है कि आप उनको धकेल के बाहर कर दें या उनको आना, रोकने का सिलसिला तो होना चाहिए, और ये अपने एक तरीके से डेमोग्राफिकली जो असंतुलन हुआ उसको लेकर के, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चिंतित रही हैं, लेकिन उसका समाधान ये नहीं हो सकता कि रातों रात आपने ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें भी जो कुछ हुआ है उसकी जानकारियां बड़ी गलत किस्म की हैं, वो आज अखबारों में साया हुई है, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, उसमें बाकायदा किस तरीके से गलत वो सारा सिलसिला बन गया है, एक ही परिवार के चार लोगों के नाम नहीं और चार के नाम है, तो ये सब ऐसा लगता है कि जैसे जल्दबाजी में काम हुआ है, और जो भी ऑफिसर इंचार्ज है सुप्रीम कोर्ट देखेगा इस बात को, इसमें कोई शक नहीं है, न्याय होगा इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया सोमवार को जब चीजें थी, सरकार मानसिक रूप से तैयार थी कि इसमें मुझे बयान देना होगा, उनका जो बयान था उसमें साफ, क्योंकि देखिए अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, वहां एक सांसद की भूमिका से बोल रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह का बोलना बहुत मायने रखता है, देश के गृह मंत्री हैं, उनका कहना था कि ये ड्राफ्ट फाइनल नहीं है, सुनवाई का अवसर है, लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो अभी अमित गोयल कह रहे थे कि अगर किसी के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर निगरानी में जो लोग लगे अगर उनसे छूटा हुआ भी है वो अपना साबित करें, तो अवसर है उन लोगों के पास में, निश्चित रूप से योगेंद्र जी ठीक, मैं भी कह रहा हूं कि जो हमारे गृहमंत्री ने बोला वो भाषा एक राजनेता की भाषा है, एक गृहमंत्री की भाषा है, एक स्टेट्समैन की भाषा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए उससे ये सारे ख्याल पैदा हो रहे हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा खून खराबा हो जाएगा, ये एक अग्रह युद्ध छिड़ जाएगा, इस तरह की जो भाषा बोलने का सिलसिला है वो पिछली बातों की याद दिलाता है कि इन बातों को लेकर कि कितना टेंशन उस इलाके में हो चुका है, और ऐसे में मैं समझता हूं कि सत्ताधारी दल की जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है, जो केंद्रीय दल है, केंद्रीय सरकार है, उसकी जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है कि वो इस पर राजनाथ जी जैसी भाषा बोले ताकि किसी तरह का टेंशन ना हो, और ठीक है कि दूसरा, में दूसरा, एक जो प्रतिपक्ष को जो लग रहा है कि समय ऐसा चुना गया है इसमें
बीजेपी गेन कर सकते हैं और पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। ये तो इस समय का बात है योगेंद्र जी, ये तो सच है कि जिस तरीके से पोलराइजेशन का सिलसिला हो रहा है देश की राजनीति का, वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं थी, वो हो रहा है, ये आरोप है, ये कुछ स्पष्ट नजर भी आता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें सद्भाव बनाए रखने के लिए मेरा ख्याल है कि केंद्र सरकार को इस बात को टालना चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप से जानबूझ करके सारा सिलसिला इस वक्त हुआ है, ऐसा आरोप है। तो इस आरोप का जवाब तो अब सरकार ही दे सकती। ओम सैनी साहब, क्यों टालना चाहिए था? क्या देश का 50 साल से 70 साल टाल रहे थे ना? इसलिए टालना पड़ेगा कि 40 लाख लोग आपने कहा टालना चाहिए, क्यों टालना चाहिए इसका? मतलब और उनको 6 महीने और आने दें या उनकी जनसंख्या को बढ़ने दें? लगानी चाहिए, टालना चाहिए, बताइए मेरे को। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कोई काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 30 जून तक तो सवाल उठ रहे हैं। सवाल नहीं, मेरी बात नहीं, सवाल वो उठा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें जो रोक। एक छोटे से ब्रेक के रुकूंगा मैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं जल्दी इस मुद्दे पर। आप देख रहे हैं खास खबर कर रहे हैं एनआरसी मामले की। एनआरसी में फिर कई तरह के मोड़ सामने आ रहे हैं। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा कि समय को लेकर के चर्चा है कि समय गलत चुना गया है और अभी जो आपने सुना कितने लोगों को बाहर करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ बातें ये भी उठ रही हैं कि जो लोग अभी हैं वो वोटिंग लिस्ट में तो स्टैंड कर रहे हैं कि वो वोट भी डाल रहे हैं, लेकिन उनको यहां रहने की उपस्थिति किस तरह से है, एक बड़ा सवाल है ये जो एनआरसी के माध्यम से उठाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कितने लोगों को बेदखल करके एक बड़े बल्क वोट को बाहर किया जा रहा है। जैसे ओम सैनी साहब कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, कई जो बड़े पेपर्स हैं उनके कई जगह पे ये बात मेंशन हो रही है कि एक ही परिवार के कुछ लोगों को बेदखल कर दिया गया है इस ड्राफ्ट के अंदर। कुछ लोगों को स्टैंड कर रहा है कि हाँ बिल्कुल नहीं है, अगर मौसी है तो बुआ नहीं है, बुआ है पिताजी नहीं है, कुछ इस तरह के कुछ स्टोरीज हाईलाइट हो रही है। तो यहां आकर के कुछ सवाल खड़े होते हैं कि एनआरसी की ड्राफ्टिंग पर भी सवाल होंगे तो इसके एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए। योगेंद्र भाई देखिए, जब बहुत बड़ा काम होता है, जब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुआ और 2015 से हजारों ऐसे केंद्र खोले गए जहां पर सत्यापन का काम हुआ, उसमें हो सकता है कुछ चीज छूट गई हो। हमने कब मना लिया इस बात के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने माना है, गृह मंत्री का स्टेटमेंट भी है, 28 सितंबर तक का मौका भी है, 7 अगस्त से फॉर्म भी मिलेगा। तो कुछ चीजें, जब पहला ड्राफ्ट 1 जनवरी 2018 को जारी हुआ उस समय तो सिर्फ 1,90,00,000 लोग ही थे उसमें, अब 2,89,00,000 लोग हो गए, करीब करीब 1 करोड़ लोग और बढ़ गए ना। कुल मिला के अगर कोई छूटे हैं उनका भी टाइम दिया हुआ है, वो अपनी अपील कर सकते हैं, अपील करके अपने नाम जुड़वा सकते हैं, किसने मना किया है? लेकिन इस बात को लेके ये टाइमिंग गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, उसकी निगरानी में जो काम हो रहा है उस डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? दूसरा, आप राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या देश की यह है कि वोट बैंक के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को भी लोग पीछे छोड़ना चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और उसको सभी दलों को मानना चाहिए। जिस तरह का ममता जी का स्टेटमेंट आ रहा है, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट ने सुना है, ऐसा मानवता का मामला है और देश की संस्कृति है, तो देश को धर्मशाला बना दे। उस समझौते के ऊपर उसी समय कार्रवाई नहीं होते, आज ये 40 लाख नहीं होते, श्री प्रकाश जायसवाल हमारी सरकार के मंत्री ने दो करोड़ अवैध घुसपैठिया, अटल बिहारी दवा पड़ा मनमोहन सिंह का और उनको कमजोर पड़ा। अरे आप सुनिए, आप तो मत कीजिए, आप आपको आप सिर्फ एक बार
बात कहनी चाहिए कि जो क्या कर रहे हैं उसके लिए आप कहना चाहिए। आप लोग आप लोग यही मेरी बात सुनो, 50 साल देश में राज किया आप लोगों ने, 3 दिन में मेरी बात आदमी की 13 महीने में गिरवा दी। हम लोगों ने सांसद खरीदे सरकार हमारा है, हमने मूल्य समझौता नहीं किया, आप लोगों ने मूल्य समझौता नहीं किया। पूरे देश में काम कर आपके लिए कश्मीर समस्या है, आपके लिए स्तर हमारा कतई नहीं होता ही। अपने मुद्दे अपनी बात आप रखिए, कोई किसी को चोर बता रहा है, कोई किसी को गद्दार बता रहा है, मुझे लगता है मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए दोनों प्लीज, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट हमारे चैनल में बहस का बिल्कुल स्तर नहीं रहता है। आप लोग अपनी बात कहिए, पूरा वक्त आप लोगों को दूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि एक छिछोरी राजनीति पे हम नहीं जाना चाहते। वो बेशक कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, हमारा कोई मकसद नहीं होता कि बिल्कुल हाइप दी जाए उसको हमारी टीआरपी के लिए। आप अपनी बात कहिए जी, आप आगे एक बात इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनको ये महसूस हुआ कि किस तरह वहां बैठे हैं, तो मानता हूं उसको कि अपनी बात कहिए। आप आएंगे, आप अगर मुझे गलत बोलेंगे तो गलत सुनने की आपको मंशा देनी चाहिए। गलत आप सही सही गलत बोला। चलो अमित जी, अब आपके पास में आ रहा हूं मैं, प्लीज आप लोग एक सभ्य भाषा का प्रयोग करिए। मुझे लगता है कि दोनों एक शालीन पार्टियों के आप लोग स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक स्तर होना चाहिए बहस का। मुझे नहीं लगता है कि किसी राजनीतिक दल में कोई एक बार सुनिए कोई देश का गद्दार नहीं है, हर के खून में राष्ट्रीयता बसी हुई है। बेशक अगर कोई अगर दावा करता हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को काट के दिखाने की आवश्यकता है कि मैं राष्ट्रीयता हूं राष्ट्र नहीं हूं। जिसमें सुनिए रानी जी प्लीज, और हरिता साहब आप अपनी बात कहिए। हमारा सिर्फ एजेंडा आज जो एनआरसी से जुड़ा हुआ है, आप उस पर अपनी बात कहिए। ये वक्त की जो बातें की जा रही हैं कि वक्त ऐसा चुना गया है जिसपे साजिश की बू आ रही है, या जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है उनके नाम काट करके बीजेपी उससे फायदा उठाना चाह रही है, तो ये अभी कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। अमित शाह क्या कह रहे हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रतिपक्ष को अगर उनके अल्फाज में कहीं आपत्ति है तो वो उन पे आरोप लग सकते हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री का वजूद, देश के गृह मंत्री के बयान अमित शाह से काफी बड़े हैं, उनके स्टैंड करते हैं। अगर कहीं कोई रूलिंग होगी या कहीं पर अगर कोई किसी चीज को अगर कहीं इंगित किया जाएगा, वो राजनाथ सिंह का बयान होगा, अमित शाह का बयान नहीं होगा। जी हरिपाल साहब, एक मेरे को बात का जवाब दीजिए आप कि भाषा का प्रयोग, और आपने देखा कि 3 बार इन्होंने बोला, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। हम बोलते हैं जब बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये बात पहले तय होनी चाहिए कि आप क्या बहुत बोल रहे हो, इसके लिए आपको क्या सुनना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने जो बात कही वो एक संवेदनशील बात थी, उन्होंने ये बात का ध्यान रखा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। मैं एक बात जानना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई से कि भाई ये हर बात में सुप्रीम कोर्ट को क्यों निर्देश देना पड़ता है, 40 लाख परिवारों पर कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। एक बात, आपकी कोई भी चुनाव की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ता है आप ऐसे कीजिए, कोई और बात होगी तो हर काल क्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, आप लोग तो ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में नहीं बोलना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो कार्य आंतरिक सुरक्षा का मामला है ये गृहमंत्री बोलना चाहिए। भुट्टिया तानकर आप इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं जैसे किसी का कल कत्ल कर दोगे, हमें दम है, हमें ताकत है,
वहां कोई ताकत नहीं देख रहा। ये पॉलिसी का मैटर है, पॉलिसी होनी चाहिए। आप ये बोलते कि भाई ये जो आ गए उनके बारे में तो विचार कर रहे हैं और आगे से जो नहीं आएंगे इनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इस टाइप की कोई बात नहीं कर रहा। क्यों ये बात कर रहे हैं कि आप में दम नहीं था, हम में दम है? अरे हम संवेदनशील आदमी था, हमने इसको तमीज से करने की सोची। आप बोल रहे हो हमारे गृहमंत्री ने बोला था पहले कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिए होगे, लेकिन इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का दम्भ, इस प्रकार का घमंड मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इस बात को तमीज से बहस होना चाहिए। और ममता बनर्जी एक बार सुनिए, मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए एनआरसी का गठन और सारा जो प्रोसीजर चला है ये किसी सरकार की उपज नहीं है, ये उपज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कब है, कोई इसमें देखिए सरकार का कोई इश्यू नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को क्या इस तरह से जोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसी के अनुसार सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये जो कुछ मसौदा सामने आया है इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होगी। अभी 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 का बयान है ये, देख लीजिए सामने चल रहा है, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इसको जांचा जाएगा, देखा जाएगा। मामला बड़ा संवेदनशील है जिसमें कि 40 लाख लोगों की वो सब लगी हुई है। ये सच है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में बाहरी लोगों का ये जो आगमन हुआ है ये हमारे लिए संकट का सबब है और इसमें काफी सारे संकट पैदा किए हैं। पूर्व में खूब खून खराबा हुआ है, तो इन सब बातों को देखते हुए हमें बड़ी संतुलित तरीके से और बड़ा शांतिपूर्वक इसको निपटारा करना चाहिए। इस पे जिस तरीके से मुट्ठियां बंधी हैं पक्ष विपक्ष में ये ठीक नहीं है। और इससे एक निवेदन करना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी के बयान में भी और सुप्रीम कोर्ट के जो आप आदेश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिटेंशन सेंटर का जो जिक्र किया है कि अभी किसी को नहीं भेजा जाएगा, एटलीस्ट जो रोहिंग्या वाला प्रकरण जो पिछले दिनों से चला है, मानवता के नाते सारी चीजें ली जा रही, तो डिटेंशन सेंटर का जिक्र राजनाथ सिंह ने भी किया है कि हम किसी को भी फिलहाल डिटेंशन सेंटर नहीं भेज रहे हैं, पूरा मौका दिया जाएगा उसके बाद ही, क्योंकि रोहिंग्या की जो स्थितियां बनी है उसको लेकर के मानव अधिकारों का एनजीओ गवर्नमेंट्स यूएनओ जिस तरह से दखल कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि इतने बड़े संख्या में लोग अभी किसी मुल्क में एक तरह से उन्हें ये कहें कि इतनी बड़ी आबादी है कि ये कई मुल्क जो है उनकी आबादी नहीं है जिसे ये जो शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं लोग, ये व्यवहारिक नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है कि इतने लोगों को डिटेंशन में रखा जाए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल 6-7 हजार बांध रहे इस बात को, जो बांग्लादेश में है उनको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जा सका, 6-7 हजार कब से बैठे हुए हैं, कब से बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो हमें भी इन सब चीजों को बड़े कूटनीतिक चीजों के साथ में समझ बूझ करके कैसे इनको हल किया जाए। ये एक तो रजिस्टर बना लिया हमने, रजिस्टर में सुधार कर लेंगे, उसके बाद में जो लोग रह जाते हैं जिनको कि देश से बाहर भेजना है उनको वापस अपने देशों में भेजना है, उनकी सरकारों को तैयार करना पड़ेगा कि आप अपने नागरिकों को संभालिए, इनको हमारे यहां क्यों धकेल रहे हैं। इन सब बातों को करने के लिए उत्तेजना का नहीं, एक कूटनीति की जरूरत है, एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। उस गंभीर चर्चा के बजाय आपने जो कर दिया और इससे ऐसा लग रहा है जिस तरह का माहौल बना हुआ है देश के अंदर उसमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी एक एक एक, एक समुदाय को आहत करने के लिए सारा सिलसिला किया जा रहा है जो, और ये इस राजनीति से बचने की जरूरत है। मुझे ठीक नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने जो कहा कि खून खराब होगा, ये ठीक नहीं लगता। साथ में अमित शाह जी का भी वो बयान ठीक नहीं लगता कि हमें दम था इसलिए हमने कर दिया, ये जरूरत नहीं है बाबा। जरूरत तो इस वक्त हमारे गृह मंत्री की बात को समझने की है, और जो आज लोकसभा में और राज्यसभा में जो हंगामा हो रहा है उसमें भी ये सब फैसले। अमित जी के पास जाना चाहूंगा, अमित जी दो बातें हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे सारी कार्रवाई हो रही है, एनआरसी का जो गठन हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे हुआ, उनके निर्देश पे हुआ है, और अमित शाह साहब जो ताल ठोक रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को केवल सरकार फॉलो कर रही है। दो बातें यहाँ पे, या तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को आप फॉलो करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस वजह से करें, सरकार की नियत साफ है, सरकार के कोई मन में ऐसी कुछ नहीं है, जो अदालत कह रही है उसका सम्मान करके हमने एक प्रोसीजर किया है उसको हमने फॉलो किया है, या अमित शाह साहब की ताकत का एहसास कराया जा रहा है यहाँ पे? देखिए हरिदवाल जी ने एक बात कही, हर काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में क्यों, मैं बता दूं 2009 में जब असम से जुड़े लोगों को लगा कि भाई इस मामले में निर्णय नहीं हो रहा तो वो कोर्ट में गए और उन्हीं की याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पहली बात। 2015 में दिया, 2009 से मामला स्टार्ट हो चुका था, पहली बात। दूसरी बात, आपने अमित शाह जी के बयान की आप बात कर रहे हो, अमित शाह जी के बयान को आप पूरा पढ़िए, अमित शाह जी के बयान में सिर्फ एक लाइन पे आप बात कर रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम देश में एक भी अवैध घुसपैठी को नहीं रहने देंगे, उन्होंने ये भी कहा कि आसाम का समझौता राजीव गांधी ने लागू किया, तो उन्होंने
इसके साथ में यह भी कहा कि 30 साल में जो काम नहीं हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूती से कर रहे हैं, हम वोट बैंक का या वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और राष्ट्र से समझौता नहीं करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमने दम तो हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, और साथ में उन्होंने यही नहीं कहा बिल्कुल भी हम इनको बाहर कर देंगे मुल्क से। हम बिल्कुल ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है, बाकायदा फिर दोबारा जांच होगी, कोई अगर छूटा हुआ है तो वो जोड़ा जाएगा, और जो देश का नागरिक नहीं होगा उसको बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समझौता के आरोप पर सवाल। आप मेरे सवाल को सुनिए, ये सवाल मेरा नहीं है, प्रतिपक्ष का है। दो बातें जो आप कह रहे हैं कि 2009 में पिटीशन फाइल हुआ, 2015 में निर्देश दिए गए, उसके बाद से सारा सिलसिला बना। यहां सवाल यह है कि जो अमित शाह साहब को आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र किया उन्होंने, राजीव गांधी जी का भी उन्होंने जिक्र किया, यह बात तो सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां पे पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ती जा रही थी और घुसपैठ बढ़ रही थी, निश्चित रूप से वहां सेना के लिए सरदर्द बना हुआ था, वहां के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए परेशानी बनी हुई थी। लेकिन अब बस बात यह है कि किन लोगों के चक्कर में कौन पिसेंगे, ये हालांकि इसमें डिटेंशन सेंटर और सारा मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में भी है। जो कांग्रेस का आरोप है उनका साफ यह कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें सरकार का या तो रोल इतना है तो फिर सरकार उस तरह से कार्रवाई कर रही है, या रोल नहीं है तो फिर मुठ्ठियां बंद क्यों कर रहे हैं अमित शाह साहब। यह जो हरिपाल जी अभी जो जानकारी चाह रहे थे उसमें चाहते हैं, आपने कहा कि बड़े पोलाइट तरीके से, वही तो एक ऑब्जेक्शन हो रहा है प्रतिपक्ष का कि अमित शाह साहब किस तरह से ताल ठोक रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। देखिए तो 1985 का समझौता हुआ, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने वापस इस मामले को रीओपन किया, उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे और इनको देश से बाहर निकालेंगे, लेकिन कांग्रेस के ही मुस्लिम नेताओं के दबाव में वो मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी एक एनजीओ को कोर्ट में जाना पड़ा। कुल मिलाकर कांग्रेस की मंशा इस काम को करने की नहीं थी, कोई कांग्रेस वो जो लोग जो अवैध घुसपैठी के रूप में चिन्हित हो रहे हैं वो अधिकांशतः कांग्रेस ने उन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, इसलिए कांग्रेस कहीं से नहीं जाती थी कि इन लोगों को डिटेन और डिपोर्ट किया जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए या इनके नाम वोटर लिस्ट से कटे। तो अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट यह है कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देने के बावजूद भी कांग्रेस नेताओं के दबाव में कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई, और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के बाद में आसाम के अंदर उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन आई, दो साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और तब भी उस काम में त्वरित गति से कार्रवाई नहीं हुई, और बीजेपी सरकार आने के बाद में सर्वानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस तेज गति से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने काम किया और देश की सुरक्षा समझौता ना करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 40 लाख लोगों का नाम चिन्हित हुआ है लेकिन वो फाइनल लिस्ट नहीं है, ये भी उन्होंने साथ में कहा है, वापस उसमें ऑब्जेक्शन आएंगे कि ये निकलेंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लाइन को पकड़ के उसके अलावा काम नहीं। आप रुके, अभी हरिपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, उस बीच पहले मैं एक बार ओम सैनी साहब के पास में जाऊंगा। यहाँ वोट की राजनीति की बू यू आ रही है, बयान दोनों तरफ से चल रहे हैं। अमित गोयल जी ने अभी कहा कि कांग्रेस लगातार इनको वोट की तरह से यूज कर रही थी, इस वजह से किसी तरह के रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। कांग्रेस अभी यह कह रही है कि जो लोग मतदाता बन चुके थे उन्हें बड़ी मात्रा में यहां से बाहर किया जा रहा है ताकि बीजेपी वहां साफ एक पॉलिटिक अपने तरीके से एक वोट बैंक को गेन कर सके। तो वोट की जो एक राजनीति की जा रही है, क्या वास्तव में ये जो सारा सिलसिला है वोट को ध्यान में रख के किया जा रहा है? दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब बांग्लादेश बना और बांग्लादेश के जो शरणार्थी भारत में आ गए थे उनके लिए इंदिरा जी ने जो किया वो अलग बात है, वो मानवीय दृष्टिकोण के साथ में मानवीय वो जिम्मेवारी निभाई और हम लोगों ने उस वक्त टैक्स भी दिया उन लोगों के लिए कैसे बेहतर रिवाज करें और धीरे धीरे उनको वापस भेजने का सिलसिला और सीमाओं पर वो आज भी मतलब कुछ बना है जो इधर से उधर पार ना कर सके उसके लिए सारा ये बड़ा मानवीय दृष्टिकोण से सारा सिलसिला किया और म्यांमार से। लेकिन इस बीच में जो आसाम में हुआ है, आसाम में ये जो वोट बैंक की राजनीति चली है तो बड़ा स्पष्ट है। असमगण परिषद सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमानों को वहां पर नौकरियां मिल रही थी या घुसपैठियों को नौकरियां मिल रही थी इसलिए खड़ा हो गया, उसके पीछे तो बहुत सारा रीजन था। भारत जिस असमगण परिषद का जो लगाव रहा है उस लगाव से हम बड़े अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो उन नौजवानों ने एक अलग से राजनीति देने की बात की, जिस तरीके से दिल्ली में आप पार्टी की रचना उस तरीके से असमगण परिषद की वहां पर जो दोनों से आहत थे, खैर भारतीय जनता पार्टी तो उस वक्त थी ही नहीं जब असमगण परिषद का सारा सिलसिला बना, उस वक्त हैसियत में नहीं थी। लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस बात के लिए लगे हुए थे कि उनका अपना हैसियत भी बने, तो वो सब सिलसिला लगातार चलने के साथ में जुड़ता ही गया कि जितना
ये जितने भी घुसपैठिए चाहे म्यांमार से आते रहे चाहे बांग्लादेश से आते रहे वो वोट बैंक का एक हिस्सा बनता चले गए और इसी को लेकर के मारकाट का सिलसिला भी होता है लोकल्स के बीच में और आने वाले लोगों के बीच में। तो इसके इससे निजात के लिए सारा सिलसिला ये रास्ता निकला था, लेकिन ये जो इस वक्त जो सामने आया सारा दृश्य उसका नतीजा ये हो रहा है कि आने वाले जो हमें 2019 के इलेक्शन देख रहे हैं और वो अक्टूबर नवंबर के बीच में ये सब चीजें फाइनल होंगी तो अपने आप में एक संकट पैदा करेगा। तो ये सारा एक समझ में आने वाली बात है कि जो सत्ताधारी दल है वो सोचे इस बात को, लेकिन इससे लगता है कि इस पर सोच नहीं रहे। और जिस तरीके से अमित शाह जी का प्रवेश हुआ है और जिस तरीके से ममता जी का प्रवेश हुआ है वो एक वोट बैंक की राजनीति को मजबूती शक्ल देता है। मेरा ख्याल है कि हमें इससे बचना चाहिए। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जब ये समस्या इतने लंबे समय से चल रही थी, कई बार वहां दंगे हुए हैं इंटरनली, वहां एक ही समुदाय के दोनों पक्ष, एक समुदाय के दोनों पक्ष भी भिड़ते रहे, वहां पे लोकल और बाहरी का मुद्दा काफी चलता रहा। 2005 में जब ये इश्यू आया सामने, मनमोहन सिंह साहब उस वक्त बन चुके थे प्रधानमंत्री, तो ये क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाना चाहिए था जब एक बार आप चर्चा कर रहे हैं संसद नेताओं को भी बुलाया गया? बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं किया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में कैसे कंप्रोमाइज उस वक्त किया जाना चाहिए था? अगर ये अगर उस वक्त भी समय रहते ये प्रोसेस अगर शुरू किया जाता तो 2009 में लोग नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट, 2015 में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश नहीं देने, इसको टालने की बात तो होनी नहीं चाहिए थी, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे वो वर्तमान सरकार। जी यहाँ एक सवाल उठता है कांग्रेस की कार्यशैली पे, देखिए मौका आप लोगों ने बीजेपी को कहने का दिया, अगर समय रहते 2009 में किसी एनजीओ को या वहां के लोकल लोगों को पार्टी बनकर के सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ता, समय के साथ अगर ये प्रोसीजर भी शुरू कर दिया जाता तो कम से कम हम ये कह सकते थे कि देखिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो भी बाहर ही होगा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल करके या तो बाहर किया जाएगा या जो भी संसद कहेगी या आपस में बात करके, क्योंकि ये इस तरह के इश्यूज हैं कि जब आप समय रहते अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, आप सर्वदलीय बैठक बुला करके लोगों से की जाना चाहिए था कि बड़ी संख्या में लोग बाहर होंगे क्या क्या जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक मुद्दा उसे सॉर्ट आउट से किया जा सकता था, क्योंकि बीजेपी को कहने का अवसर आप लोगों ने खुद ने दिया। योगेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बारे में मनमोहन सिंह जी ने भी कोशिश की, बैठक करी। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसा नहीं थी कि कांग्रेस की मंशा नहीं थी, कांग्रेस की मंशा थी, कांग्रेस ने प्रयास भी किए, कुछ ढीलेपन के कहना चाहिए धीमे गति के कारण कुछ एनजीओ चले गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 15 के अंदर, 14 में इनकी सरकार बन गई थी, निर्देश दिए, निर्देश दिए मतलब फैसला निर्देश दिए 15 में, 14 से 15 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई काम नहीं किया, इनके पास भी लोग आए इन्होंने कोई काम नहीं किया, ठीक है वो काम भी कर लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा निर्देश दिए, इनको कठोर निर्देश दिए कि काम करो। जब ये सब काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था, सब कुछ ढंग से चल रहा था, तो मैं समझता हूं कि अमित शाह को इस प्रकार की भाषा नहीं करनी चाहिए, हमने कराया ये भारतीय जनता पार्टी का कराया हुआ काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो काम होता है, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट कल फांसी की सजा सुना दे और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का अध्यक्ष ये कह दे कि फांसी मैंने दिला दी, मेरे में दम था इसलिए फांसी दिला दी, ये बात छोटा सा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए जैसे ही एनआरसी की रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट में हंगामा शुरू होता है, हंगामा जब कर किया जाता है, प्रतिपक्ष की ओर से सरकार पे आरोप लगते हैं, बीजेपी को उसमें कोर्ट किया जाता है, तो उसका जवाब कौन देगा? नहीं उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब गृहमंत्री देते हैं, गृहमंत्री जब पार्टी पे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी की फितरत रही है कि वोट ये जो बात कही उसका जवाब अमित शाह जवाब देने के लिए बातें कही गई कि कांग्रेस ने शुरू किया, अमित शाह तो खुद ही ने कहा कि मेरे में दम था इसलिए मैंने कर दिया। दूसरी बात इसमें योगेंद्र जी और हरिपाल जी एक बात आप जोड़ लीजिए जो आज 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 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये मसौदा है और इसको लेकर के कोई सख्त कार्रवाई का सिलसिला नहीं होना चाहिए, लिखा है फॉर्म में ये इसलिए जिसमें रिटेंशन सेंटर्स का भी जिक्र किया गया है, तो उसमें वो बात की बात है और सिर्फ अमित शाह जी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो भी एक सॉफ्ट बात करें, बात तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हो गया ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार काम हुआ। अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने इंदिरा गांधी को भी इस बात के लिए कहा, अमित शाह जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी की जो भावना थी उसको राहुल गांधी पालना क्यों नहीं करना चाहते, या 30 साल तक आपने क्यों नहीं करे, आज जब आप लोगों ने बात करना चाहता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी में जब ममता बनर्जी ने अमित शाह की तरह एक कठोर अमित शाह जी की तरह नहीं अमित शाह जी बात अमित शाह जी की तरह नहीं उपयोग किया
ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया है? कांग्रेस अमित जी आपके पास, कांग्रेस ने क्या जवाब दिया कि गहरे युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, ये सॉफ्ट बराबर। कांग्रेस भी कहते गहरे युद्ध होती तो मानते कि भाई इनका गलत दिशा जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है सुप्रीम कोर्ट जो निकल गया इसको ढंग से मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको काम करनी चाहिए। गलत बात नहीं मानवता को, मैं या तो भारतीय जनता पार्टी कहते कि मानवता को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, कांग्रेस ने मानवता को ध्यान में रखते काम करना चाहिए, तो इसने क्या गलत कह दिया। दूसरी बात यह है कि मैं फिर कहना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई अच्छा प्रयास किया है तो उसमें बुट्टी तानने की और उसका माहौल खराब करके सुप्रीम कोर्ट का काम भी खराब करने की कोशिश न करें। और ये कहें कि मित्रों हजार बात की एक बात है कि आप लोग इस कार्य को ढंग से करें, ढंग से करने दें, मानवता को ध्यान में रखें। जैसा कि उनसे ने कहा था कि बांग्लादेश में 7000 आदमियों को पाकिस्तान भेजने में दिक्कत आ रही है, 40 लाख लोगों को आप इस प्रकार कर रहे हैं, भाई का नाम है बुआ का नाम नहीं है, ऐसे करके लाखों आदमियों के नाम रहे, उस पर ढंग से विचार हो, उसके बाद एक पॉलिसी बने, सर्वदलीय बैठक हो, उसके अंदर ये तय हो, छोटे मोटे बड़े जज के एक सांसद भी चीज का हो उसको बुला के पूछा जाए कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, सबको बैठा के अगर इसका काम किया जाएगा तो भारत के लिए ठीक होगा। और अगर इस प्रकार से कि मैं कर दूंगा, मेरे में ताकत है, मेरे में ये है, ये अच्छी बात अच्छी शोभा नहीं देती। एक पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, उसको शब्द ऐसे नहीं कहने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी पहल की उसका हर भारतीय स्वागत करता है, हम भी करते हैं स्वागत, लेकिन इसने आपके पास आ रहा हूं। देखिए एनआरसी का इश्यू ऐसा है, ये बात सही है कि 40 लाख लोगों को डाट से बाहर करके जब एक बड़ी आबादी की चीजें सामने आती है तो निश्चित रूप से सियासत से ही लेकर के सोशल एनजीओ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सारी चीजों में एक पहल का समझता है कि इतनी बड़ी आबादी जो कई मुल्कों की भी नहीं है, किसी कई मुल्क ऐसे हैं जो 40 लाख की आबादी से कम के होंगे, क्या एक देश को बाहर किया जाएगा, कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं क्यों किया क्या हुआ, मीडिया के माध्यम से चीजें सामने आ रही हैं, डाप में क्या खामियां रही हैं, ये सारी चीजों के बाद ही राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि डिटेंशन सेंटर सभी किसी को नहीं भेजा जाएगा, अभी हियरिंग का वक्त है, अगर किसी के पास में कोई चीज है कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दीजिए, परिवार के अगर पिता का नाम है दो भाइयों का एक छूट रहे तो अंडरस्टूड है, इसे कंसिडर किया जाएगा कि हाँ साहब ये इसका जन्म हुआ था उस वक्त और ये इसमें छूट रहे थे इसे शामिल करिए, तो ये पूरा एक अवसर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए इसे बजाय सियासत के। अमित जी आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए बार बार हमारे मित्र सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को आप लोग कितना फॉलो करते हैं, शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वोट बैंक की राजनीति के चलते किसने बदला, पूरे देश ने पता, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे, तीन तलाक होते रहे, हलाले होते रहे, और आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम नेताओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा, पहली बात। दूसरी बात, बार बार एक बात आती है कि इस देश के अंदर मानवता 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 की बात होती है, क्या इस देश के लोगों के जो रहते हैं इस देश के नागरिक है उनके मानवाधिकार नहीं है, क्या मानवाधिकार सिर्फ घुसपैठियों के हैं? चलिए मैं माफी चाहूंगा अभी जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर कुल मिलाकर के है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो तो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का इश्यू है और ना ही इसे वोट की तरह से देखा जाना चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा संविधान जो कहता है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें फिक्र किसी बात की नहीं होनी चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि इसमें सियासत हो रही है, सियासत गरमा रही है, ये सारी अगर बू आती है तो मुझे लगता है वो भी राष्ट्रहित में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।